बताओ यार, कैसे हो तुम? क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? स्कूल में भी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सिखाया गया। घर वालों ने भी पढ़ाई पर ही जोर दिया, कहा कि ये यारी दोस्ती खेल कूद कभी काम नहीं आने वाली। हमने भी उनके कहने पर कितना कुछ छोड़ दिया। पर क्या एक चीज के पीछे भागने से सब मिल जाता है? दोस्ती भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, पर कोई ये चीजें एक साथ मैनेज करना क्यों नहीं सिखाता है? बचपन में बैलेंस डाइट के ऊपर एक चैप्टर पढ़ा दिया, पर बैलेंस लाइफ के बारे में तो किसी ने बताया नहीं। बस बोल दिया रेस चल रही है, भागो। जिंदगी ऐसे ही कटती है, पर जीना तो किसी ने सिखाया नहीं। जीतने के बाद कितनी बड़ी पार्टी करनी है उसका प्लान सब बनाते हैं, पर जीतने तो कोई एक ही वाला है। बाकी जो हार जाते हैं उनको कोई ये क्यों नहीं बताता कि हार जीत तो चलती रहती है? तुम्हारी उम्र में ये प्यार व्यार की बातें अच्छी नहीं लगती। स्ट्रेस है तो पढ़ाई का ही होगा, तुम्हें और तो कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। और दुख होता है जब अपने पेरेंट्स ही ऐसी बात करते हैं। पढ़ाई के अलावा भी टेंशन होती है यार अपनी, पर बच्चा समझ के हम पे ध्यान भी कहाँ देते हैं। दिल पिघलता है, टूटता है, फिर जुड़ता है, और किसी को भनक भी नहीं लगने देते हो तुम। इतनी छोटी सी उम्र में भी मुझे पता है कैसे सब संभाल लेते हो तुम। तुम्हारी आंखों के सामने क्या क्या नहीं घटा, घर में लड़ाइयां, रिश्तों का टूटना, इन सब का कितना असर पड़ता है दिमाग पे, मैं जानता हूं। और तुमसे फिर भी ये बोला जाता है कि इस माहौल में भी तुमसे मैं 90% मार्क्स चाहता हूं। तुम अकेला फील करते हो बहुत बार, और अजीब बात यह है तुम्हें अकेला रहने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि प्राइवेसी का कंसेप्ट तो है ही नहीं यहां। अजनबी से बात नहीं करने देते, पर आगे चल के अजनबी से शादी करा देते हैं, ये भी ठीक है यहां। डिप्रेशन बीमारी नहीं होती, ड्रामे होते हैं। तुम्हारे सारे सपने बेकार और उनके सपने सपने होते हैं। पर तुम बोला करो अपने लिए, जरूरत पड़े तो थोड़ा झगड़ भी लिया करो। जब अंदर शोर ज्यादा बढ़ने लगता है ना, तब केवल आंख बंद करके गहरी सांस ले लिया करो। तुम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो लोगों पे, इतनी जल्दी विश्वास मत करना। दुनिया अच्छी है बुरी है ये खुद समझना, मेरे कहने पे विश्वास मत करना। तो समझ लो, अब से हार या जीत मायने नहीं रखती है। मायने रखता है तुमने क्या सीखा उससे, मायने रखता है तुम्हें मजा आया कि नहीं, क्योंकि जिंदगी मजेदार होनी चाहिए। पर बेगुना तुम फालतू सजा काट रहे हो तब से। क्यों काट रहे हो, क्यों भाग रहे हो? कभी पूछा ही नहीं तुमने, तो पूछो, सवाल करो, तुम्हारा हक बनता है। In breaking news, we hear New Zealand is now officially in recession. Okay.